यीशु अपने सेवा के शुरू करत बाड़न। शैतान का परीक्षा के इनकार कैला के बाद यीशु वापस गलील के क्षेत्र में अइलन। ई ऊ जगह रहल कि जहाँ ऊ रहत रहलन। पवित्र आत्मा उनके बहुते सामर्थ देत रहले और यीशु एक जगह से दूसरी जगह में गईले और लोगन के शिक्षा दिहले। सब लोग उनकरी बारे में अच्छा कहल। यीशु नासरत नगर में गईले। ई ऊ गांव हो जहाँ कि ऊ अपनी बचपन में रहत रहले। हफ्ता के दिन ऊ आराधना करे की जगह में गईलन और अगुआ लोग उनके यशया भविष्यवक्ता के संदेश में क एगो पुस्तक दिहले। ऊ लोग चाहत रहले कि ऊ ओमे से पढ़ा। तब यीशु ओ पुस्तक के खोल के ओमे से एगो भाग लोगन खातिर पढ़लन। यीशु पढ़लन, परमेश्वर हमके अपन आत्मा देले बाड़न ताकि हम कंगालन में सुसमाचार का प्रचार कर सकी। ऊ हमके ए खातिर भेजले बाड़न कि कैदियन के आजाद करी, अंधन के फिर से रोशनी देई और ऊ लोग के छुटकारा देई जे के दूसर लोग कुचलत बाड़े। ई ऊ समय रहल जब परमेश्वर हमनी पर कृपा होखीहन और हमनी के सहायता करीहन। फिर यीशु बैठ गईलन, सब उनके बड़ा ध्यान से देखत रहले। ऊ लोग जानत रहले कि पवित्र शास्त्र का जीवन भाग ऊ अबे पढ़लन ह, ऊ मसीह के बारे में रहल ह। यीशु कहलन, जीवन बात हम अबे तुहन लोग खातिर पढ़नी ह, ऊ ए समय पूरा होत बा। सब लोग चकित हो गईले। ऊ लोग कहले, ई त यूसुफ का बेटा बाड़े। तब यीशु कहलन, ई सही ह कि लोग केहू ऐसन भविष्यता पर कबो ना मनीहे जेवन कि ऊ लोग की नगर में पलल बढ़ल होई। एलिया भविष्यता के समय में इसराइल में बहुते विधवा रहली, लेकिन जब 3.5 बरिस तकले बारिश ना भइल त परमेश्वर एलिया के इसराइल में कौनो विधवा के सहायता करे के खातिर ना भेजले। एकरी बदले ऊ एलिया के फिर कौनो दूसरी देश का विधवा के पास भेजले। यीशु कहल जारी रखलन और एलिशा भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में बहुते लोग चरम रोग से पीड़ित रहले, लेकिन एलिशा ऊ लोग में से केहू के चंगा ना कैले। ऊ खाली इसराइल के शत्रुअन के सेनापति नमान के चंगा कैले, लेकिन जे लोग यीशु के बात सुनत रहे ऊ लोग यहूदी रहलन। यही से जब ऊ लोग उनके ई कहत सुनले तो ऊ लोग उनकरी पर खिसिया गईले। नासरत नगर का लोग यीशु के पकड़ लिहले और उनके आराधना के जगह से घसीट के बाहर ले गईले। ऊ लोग उनके मारे खातिर नीचे फेंके खातिर एगो चट्टान के सिरा पर ले गईले, लेकिन यीशु भीड़ के लोगन में से निकल गईलन और नासरत नगर के छोड़ के चल गईले। फिर यीशु कुल गलील के क्षेत्र में गईलन और बड़ भीड़ के लोग उनकरी पास अइलन। ऊ लोग ऐसन बहुते लोगन के लेके अइले जे बीमार और विकलांग रहलन। ऊ लोगन में से कुछ तो देख, चल, सुन या बोल ना सकत रहलन और यीशु ऊ लोगन के चंगा कैले। और एकरी अलावा बहुत से ऐसन लोग यीशु के पास आइल गईले कि जेमे दुष्टात्मा रहल। यीशु दुष्टात्मन के ऊ लोगन में से निकल जाए के आदेश दिहलन। ऊ दुष्टात्मा अक्सर चिल्लाइले सा, तू परमेश्वर का बेटा हुआ। भीड़ का लोग चकित हो गईलन और ऊ लोग परमेश्वर का स्तुति कैले। फिर यीशु 12 आदमी के चुल्लन जिनकरा के अपन चेला कहलन। ऊ चेला लोग उनकरी संगे यात्रा कैले और उनसे शिक्षा लिहले। मत्ती अध्याय 4:12-25, मरकुस 1:14-15, 35-39, 3:13-21,
लूका 4:14-30, 38-44 से एगो बाइबिल का खिस्सा